देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि पांच राज्यों में चुनाव है, ऐसे में चुनावी मौसम चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, रैले चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं, हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, दल बदल चल रहा है, एक नेता इधर तो एक नेता उधर चल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस वक्त सच में भारत में क्या चल रहा है? इस वक्त सच में भारत में लाठी चल रही है, डंडे चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, FIR चल रहे हैं, आवाज को दबाने की लगातार कोशिश और साजिशें चल रही हैं। बेरोजगारों की बात हर नेता की जुबां पर है, बेरोजगारों के दर्द को समझने का हर नेता वादा और दावा करता है, लेकिन उन्हीं नेताओं की आंखों के नीचे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल भी भारत एट नाइन में मैंने यह मुद्दा उठाया था और आज एक बार फिर उठा रहा हूं कि प्रयागराज में कल छात्रों पर, प्रयागराज में कल मेरे भाइयों पर लाठी क्यों चला, उनके हॉस्टलों के अंदर घुसकर उनको क्यों पीटा गया, बिहार में छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों किया गया, परीक्षार्थी जो 2019 से आपकी दिखाई हुई लॉलीपॉप चूस रहे थे, अगर वो आज डिमांड कर रहे हैं, अगर वो आज मांग कर रहे हैं, तो उनको मारा पीटा क्यों जा रहा है, उनको मारा पीटा क्यों जा रहा है? जवाब तो देना होगा और जवाब यह भी देना होगा कि आंदोलन के नाम पर जो मुकदमे किए जा रहे हैं, आखिर परीक्षार्थियों का यह आंदोलन कब खत्म होगा? यह सवाल है। परीक्षार्थियों का आंदोलन कब खत्म होगा? साथ ही साथ एक शिक्षक पर FIR करेंगे, खान सर पर FIR क्यों, क्यों खान सर पर FIR की गई? छात्रों के साथ झूठ का गेम, ये छात्रों के साथ आपका झूठ का गेम क्यों चल रहा है? नौकरी मांगी है, मिलेगी आएगी नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, इस पर जवाब दीजिए, देंगे या नहीं देंगे, टालमटोल मत कीजिए, आश्वासन मत कीजिए, कमेटी का गठन मत कीजिए, देंगे या नहीं, व्हाइट और ब्लैक। और क्या खान सर को चुप कराएंगे? खान सर को चुप कराएंगे? खान सर को चुप करा के क्या आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश है? साथ ही साथ शिक्षकों को डराएंगे, आखिरी पैंतरा है, आखिरी है, हार्ड अटैक, शिक्षकों को डराएंगे? ये सवाल है, इन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। दर्शकों, RRB NTPC इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लोगों का कहना है, जो परीक्षार्थी है उनका कहना है कि 20 गुना रिजल्ट देने की बात की गई थी लेकिन बस 11 से 12 गुना दिया गया। इससे पहले इनकी ये मांग और थी कि इससे पहले भी जो गड़बड़ झाला हुआ था उस पर ये लोग शांत रहे। गड़बड़ झाला ये था कि इंटरमीडिएट पास आउट और ग्रेजुएट पास आउट को, दोनों को साथ में बैठा दिया गया, ये लोग चुप रहे हैं, लेकिन अब तो रिजल्ट में भी गड़बड़ छा। इसके साथ ही साथ RRB ग्रुप डी वाले भी मांग कर रहे हैं कि 2019 में कहा था 1,44,000 नौकरियां हैं, आज कहां है? सब धुआं है, सब धुंध है। आज बताता हूं क्या है, आज लाठी है, आज डंडे हैं, आज मुकदमा है, आज सामने एक वर्दीधारी खड़ा है जो सरकारी है और वो आवाज को दबा रहा है, वो डरा रहा है, वो धमका रहा है। क्या ये नया भारत है? क्या ये है नया भारत? आज मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, हर कोई पूछ रहा है, हर कोई इस बात की मांग कर रहा है, क्या ये नया भारत है जहां परीक्षार्थी, जहां बेरोजगारों की बात की जाती है? हर नेता, इस दल का हो, उस दल का हो, फलाने दल का हो, हर दल का नेता जब बेरोजगारों की बात कर रहा है तब परीक्षार्थियों को इस तरह से डंडे बरसाए जा रहे हैं, परीक्षार्थी ठंड में सड़कों पर है, परीक्षार्थियों को इस कदर मजबूर किया जा रहा है, उन पर लाठी भांजी जा रही है कि वो आक्रोशित होकर ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, और जब आग लग रही है तब मुकदमा हो रहा है। जब ट्रेन की पटरियों तक पहुंचे थे परीक्षार्थी तब उनको वहीं पर, उनको एक क्यों नहीं कहा गया, उनकी बातों पर क्या जवाब था, जवाब क्यों नहीं दिया गया? जब पूरी घटना घट गई, जब पूरी घटना घट गई तब रेल मंत्री आ रहे हैं, तब रेल मंत्री आकर बयान दे रही है, मेरे भाई हैं। रेल मंत्री जी ने यह क्यों नहीं बताया कि रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर रेलवे ने साफ किया था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, इन सबको रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर पुलिस की FIR हो रही है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लाठी खा रहे हैं। ये कौन से भाई? और भाई साहब कहते हैं, हमारे रेल मंत्री कहते हैं कि इन सबको नौकरी दी जाएगी, कमेटी गठन की जा रही है, आश्वासन दे रहे हैं। अरे भाई, आपका मंत्रालय पहले इनको ब्लैकलिस्ट करने की बात करता है, ब्लैकलिस्ट करने की, इनको कभी नौकरी नहीं देगी ये बात करता है, पुलिसिया तंत्र इन पर मुकदमे करता है, समझ रहे हैं इस बात को? पुलिसिया तंत्र मुकदमे कर रहा है, आप लाठी बरसवा रहे हैं
और एक तरफ आप इनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मीडिया के सामने आकर यह कह रहे हैं कि आप नौकरी देंगे। What kind of joke is this? आप नौकरी देंगे, आप ब्लैकलिस्ट करेंगे, आप डंडे बरसाएंगे, आप लाठियां बरसाएंगे, मुकदमे करेंगे, जेल में ठूसेंगे, आप शिक्षकों को प्रताड़ित करेंगे, FIR करेंगे, एंड द नेक्स्ट स्टेप आप मीडिया के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात कहेंगे कि आप नौकरी देंगे, आप नौकरी देंगे सच में सीरियस। और इससे पहले किस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, डिजिटल आंदोलन किया, सड़क पर आए, पट्टियों पर आए, हिंसा भी हुई, उग्रता भी हुई, डंडे भी बरसे, लाठियां भी चली, मुकदमे भी हुए, FIR भी हुई, और साथ ही साथ शिक्षक जो इनका कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे उनको भी चुप कराने की अब साजिश है, मतलब खान सर को भी चुप कराने की साजिश है। खान सर पर भी FIR की बात की जा रही है, लेकिन इससे बाद, इसके तुरंत बाद से छात्र आक्रोशित हो गए। अब छात्रों का कहना है कि शिक्षकों पर भी FIR होगी, ट्विटर पर लगातार डिजिटल आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया। तो आज मैं भी ये पूछ रहा हूं कि खान सर पर FIR कराकर क्या छात्रों की आवाज, क्या परीक्षार्थियों की आवाज, क्या युवाओं की आवाज, क्या बेरोजगारों की आवाज दबाई जा सकती है? एंड दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन। We are not here to entertain politicians. We are here to ask you questions. अगर मेरे ऊपर भी मुकदमे की बात अगर आप सोचते हैं तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि we are not here to entertain you. हम यहां नहीं बैठे हैं कि आपका आपको एंटरटेन करें, सिर्फ आपकी बातों को सुने। We are here to ask you questions. हम यहां हैं ताकि आपसे सवाल करें, और सवाल लाजमी है कि रेल मंत्रालय ब्लैकलिस्ट करने की बात करता है, उसी रेल मंत्रालय के मंत्री साहब नौकरी देने की बात करते हैं। भाई बताते हैं, एक तरफ पुलिसिया तंत्र डंडे बरसा रहा है, लाठियां बरसा रहा है, और उसी वक्त सरकार कह रही है कि कमेटी का गठन करें। अरे मजाक की भी, अरे ड्रामे की भी लिमिट होती है साहब, लिमिट। लेकिन क्या कुछ बीते दो तीन चार दिनों से हम लोग देख पा रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट है, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। किसी को नहीं मारे। ये तस्वीरें कश्मीर की नहीं है बल्कि पटना की है, प्रयागराज की है। ये तस्वीरें भारतीय बेरोजगारों की है। 2019 में एक वादा किया गया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। बात किताबी नहीं जमीनी है, वादा पूरा नहीं हुआ तो बेवफाई से तिलमिलाए युवा विद्रोह करने लगे। शांति से किए गए प्रदर्शन में सरकारी लाठियों ने ऐसा तड़का लगा दिया कि सरकारी ट्रेन जला दी गई। आपको पूरा मामला समझाते हैं कि छात्र आखिर नाराज क्यों हैं। रेलवे ने इस साल 2019 में NTPC के माध्यम से 35,308 पोस्टों के लिए, ग्रुप डी के लिए लगभग 1,03,000 पोस्टों के लिए आवेदन मंगाए। फरवरी मार्च में छात्रों ने फॉर्म भरा, अप्रैल मई में नई सरकार बनी, जुलाई तक परीक्षा लेने की संभावित तारीखें दी गई, लेकिन साल 2019 में परीक्षा नहीं ली गई। साल 2021 में परीक्षा हुई और साल 2022 में CBT 1 NTPC का रिजल्ट जारी किया गया। नोटिफिकेशन में यह बात लिखी गई थी कि रेलवे बोर्ड CBT 1 NTPC में 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन आरोप है कि एक छात्र को 5 जगह गिना, इसे रेलवे बोर्ड ने मात्र 10-11 गुना रिजल्ट दिया है। छात्रों की मांग है कि रेलवे 1 student 1 result जारी करे। इंतजार करवाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपका CBT 2 भी होगा। बताओ ये कौन सी मानसिकता है? ये हम 3-3 साल इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, 3-3 साल वैकेंसी होने के बाद हमें ये बताई जा रही है कि आपका CBT 2 होगा, तो और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। हमने इसमें क्या नहीं देखा, हमने इस वैकेंसी के लिए क्या नहीं करा, परिवार के ताने सुने, 10-10 बार ट्यूटर कैंपेनिंग करी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका CBT 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। ये वैकेंसी 2024 तक ले जाने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। माननीय रेल मंत्री महोदय,
आपसे विनम्र निवेदन है कि जो रेलवे ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों के चलते सीबीटी 2 का आयोजन कर दिया, 10th लेवल ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हमारी समझ से परे है। आखिर क्यों लेवल 1 के एग्जाम में सीबीटी 2 का आयोजन रखा गया है? इससे सिर्फ कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ विद्यार्थियों का समय बर्बाद होगा। आखिर 3 साल हो चुके हैं वैकेंसी निकले, उसके 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। आखिर रेलवे मंत्रालय क्यों चाहता है कि 2 साल और बर्बाद हो? 19 से तैयारी कर रहे रेलवे की, 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं, और 2 साल और करे यदि सीबीटी 2 तो पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। उधर ट्रेन जली तो इसकी तपिश मंत्री जी को जा लगी। चुनावी मौसम में विरोध की तपश ज्यादा जोर से लगती है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए और प्रदर्शन करते छात्रों को अपना भाई बता दिया, नौकरियों का आश्वासन दिया, कमेटी गठन की बात की और माहौल इमोशनल करके चले गए। सबसे पहले लेवल 1 में 2-stage एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके 2, एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। हल्ला बोल के नाम से यूथ मूवमेंट चला रहे अनुपम कहते हैं कि हमारी मांग कुछ और थी, सरकार देना कुछ और चाहती है। रेलवे भर्ती में सरकार के रवैये से असंतुष्ट युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने भी रेल मंत्री जी को कल पत्र लिखकर 2 प्रमुख मांगों से उनको अवगत कराया था। आज सरकार ने 5 रेलवे अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी है। ये कहा है कि 4 मार्च तक यह कमेटी अपनी सिफारिश देगी। देखिए, मांग बड़े स्पष्ट है। 2 मांग, RRB की NTPC परीक्षा में CBT 1 के परिणाम में 20 गुना कैंडिडेट्स का चयन हो, 20 गुना रोल नंबर्स का चयन हो, और जो RRB की ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें CBT 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा न किया जाए। सरकार ये क्यों नहीं कर सकती, बस इसका जवाब देना था सरकार। हम लोग के देखिए सर, जो NTPC में हम लोग से धांधली हुआ है, हम लोग को जब तक रेलवे चेयरमैन जब तक ने हम लोगों को सुधार करता है, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का 70 नंबर रहते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ, 78 नंबर रहते हुए रिजल्ट नहीं दिया NTPC में। बताइए कौन सा नियम रेलवे बोर्ड लाया है, बताइए। हम इस रेलवे बोर्ड से पूछना चाहते हैं। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना काम है, तो अपना काम में कोई देरी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। ये गलती कहाँ से हो रहा है? देखिए, क्वेश्चन पेपर जो सेट किए थे ना, क्वेश्चन में ही गलती था। 5 क्वेश्चन मतलब 95 क्वेश्चन था, तो जो 5 क्वेश्चन गवर्नमेंट ने गलती किया, उसमें जो 5 क्वेश्चन गलती किया उसमें मेरा क्या गलती है? उसमें गवर्नमेंट को नंबर देना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं दिया गवर्नमेंट, ही नंबर बढ़ाया है। मामले को गरमाता देख बिहार के जाने माने शिक्षक खान सर भी सुर्खियों में आ गए। उन पर आरोप लगने लगे कि खान सर छात्रों को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन खान सर ने साफ किया कि सरकार ने जो फैसला आज लिया है, अगर वो पहले ले लिया होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।
देखिए ये गलत बात है, ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए। आप सब लोग चूंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं, आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे यूट्यूब को एक हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है, जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर RRB लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है, अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी हैं यहाँ पर, हम लोग रोक के रखे हैं। अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे थे जैसे हम लोग आज करेंगे आंदोलन, या फिर रेलवे का आज 26 जनवरी को, हमने सबको बंद कराया कि आज 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, और रेलवे ने कमेटी जारी किया। रही बात खान सर ने किया, तो एक काम करते हैं हम चुप हो जाते हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए। खुद पढ़े लिखे लोग हैं, DM साहब भी गए थे रेलवे में राजेंद्र नगर, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि लीडरलेस ये आंदोलन चल रहा है, तो इसमें खान सर कहां से आ जाते। लेकिन सवाल तो उठता है कि चुनावों से पहले उठ खड़ी हुई वैकेंसी चुनाव खत्म होते ही खत्म क्यों हो जाती है। और नौकरी की वैकेंसी आती है तो परीक्षा नहीं आती, परीक्षा आती है तो नियुक्ति नहीं हो पाती, और आज के दौर में तो सरकारी नौकरी की इच्छा लिए युवाओं की या तो परीक्षा की उम्र निकल जाती है, या प्रदर्शन के चक्कर में मुकदमा हो जाता है, या रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है लेकिन नियुक्ति की तारीख नहीं आ पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देख ली है, इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि किस तरीके से छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है, किस तरीके से छात्रों के हॉस्टल में घुसकर उनके साथ बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर अगर आपके पास, मैं मान लेता हूं आपके पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी नहीं है, क्लियर क्लियर करके रखिए, क्रिस्टल क्लियर, वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी नहीं है तो फिर फॉर्म क्यों भरा, नोटिफिकेशन क्यों निकाला। 2019 में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ये नौकरियों वाला झुंझुना क्यों पकड़ाया, ये मुरमुरा क्यों खिलाया, ये लॉलीपॉप क्यों बांटी। सीरियस क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन, आप इस चीज पर जवाब दीजिए क्योंकि आप जवाबदेह हैं, और ये सीधा मेरा सरकार से सवाल है और छात्रों की आवाज बन रहा हूं क्योंकि हमारी भूमिका है, तो भूमिका के रूप में सवाल कर रहा हूं कि आखिर जब आपके पास नौकरियां नहीं थी तो फिर आपने फरवरी में नोटिफिकेशन 2019 में क्यों निकाला, आपने क्यों कहा कि 140,000 नौकरियां हैं 2019 में, जब आपको 2022 में भी ये बात कहनी पड़ रही। और आज की तारीख में आखिर नौकरी नियुक्ति की जो पूरा प्रोसीजर है वो क्यों बदल चुका है, इस पर आप क्यों नहीं विचार कर रहे। पहले नौकरी कैसे मिलती, पहले होता था प्री मेंस इंटरव्यू और ऑफर लेटर फिर नियुक्ति, आज की डेट में कैसे मिलता है। पहले तो नौकरी के लिए युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है, फिर होता है प्री, प्री का रिजल्ट नहीं आता, फिर छात्रों को ट्विटर पर आंदोलन करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं रिजल्ट आता है, फिर मेंस एग्जाम नहीं कराए जाते, फिर छात्र ट्विटर पर आंदोलन करते हैं, फिर मेंस होता है, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, फिर छात्र आंदोलन करते हैं ट्विटर पर, फिर मेंस का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में धांधली हो गई तो सो बात अलग, लेकिन अगर मेंस का भी रिजल्ट आ गया फिर उसके बाद फिर छात्र आंदोलन करते हैं ताकि इंटरव्यू हो, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर छात्र आंदोलन करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति कब होगी पता नहीं, बरसों तक ऐसे ही चलता रहता है, उसके बाद फिर छात्र आंदोलन करते हैं, फिर नियुक्ति की बात आती है, और नियुक्ति के नाम पर ये जो राई का पहाड़ आप खड़ा करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल पहले कि फलाने लाख नौकरियां हैं, और जब तक नौकरी की बात आती है तो ना तो रजाक को नौकरी मिलती है, ना ननकू को नौकरी मिलती है, ना श्याम को नौकरी मिलती है, ना सुंदर को नौकरी मिलती है, ना काशिफ को नौकरी मिलती है, ना वसीम को नौकरी मिलती है। ये कब तक चले, कब तक, आखिर कब तक चलेगा ये पैटर्न, ये सरकारी नौकरी पाने का जो पैटर्न है ये दरअसल युवाओं को इसी प्रोसेस में, इसी पैटर्न में बूढ़ा कर रहा है। आज की डेट में सरकारी नौकरी पाते पाते, सरकारी नियुक्ति पाते पाते एक बेरोजगार पर 6 से 7 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसकी चप्पलें खिस जाती हैं संघर्ष करते करते, वो ट्विटर पर टैग करते करते, ट्विटर पर आंदोलन कर चलाते चलाते अपना जीवन आधा यापन कर लेता है, उसके बाद जाकर कहीं नियुक्ति की तारीख आती है, और जब तक नियुक्ति की तारीख आती है उसकी शादी की उम्र निकल जाती है, जब तक नियुक्ति की तारीख आती है उसकी बहन की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, जब तक नियुक्ति की तारीख आती है तब तक उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, जब तक नियुक्ति की तारीफ आती है उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ी हो चुकी है,
जब तक नियुक्ति की तारीख आती है तब तक उसका कच्चा घर कच्चा का कच्चा ही है। जब तक नियुक्ति की तारीख आती है तब तक वो व्यक्ति इतना संघर्ष झेल चुका होता है कि उसमें से कुछ तो मर भी चुके होते हैं, क्योंकि सुसाइड का भी एक मास मसला इसी से इसी पैटर्न रियली एग्जैक्टली इसी पैटर्न से होकर गुजरता है। और सरकारें आंख मूंद कर शांत बनी रहती हैं, सरकारें मुकदमे FIR इन सब चीज़ों में उलझी रहती हैं, शिक्षकों पर मुकदमे तक की बात करती रहती हैं, लेकिन कभी सरकार सोच कर बैठ कर शांति से वार्ता कर ये बात कभी नहीं सोचती। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमको कहनी पड़ रही सरकार ये बात क्यों नहीं सोचती कि अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, अगर आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो इसको बस एक चुनावी ढकोसला, एक चुनावी जुमला, एक चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुंझुना, चुनावी मुरमुरा इस तक मत रखें प्लीज, क्योंकि इसको अगर आप यहां तक रखते हैं केवल चुनाव में महज वोट पाने के लिए, सिर्फ वोट पाने, अगर आप सिर्फ वोट पाने के लिए नकली नौकरियां निकालते हैं, तो आप ये याद रखिए कि आप बहुत सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए जो कि ग्रंथों में भी है कि अगर किसी मुल्क देश की राजा की अगर प्रजा में किसी की भी अगर मौत होती, अगर कोई भी संघर्षरत है, अगर किसी का भी जीवन खराब हो रहा है, तो ऐसे में अगर उसका दोषी नामुलाक मतलब उसके दोषी का नाम ना पता हो तो उसका दोषी उस प्रजा का जो राजा है वो होता है, और राजा ही दोषी कहलाता है। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और जब तक इस आंदोलन का वाजिब सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आता, हम इसी तरह इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।